बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यार उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से यार सुबह के टाइम हमने अपने सभी परिंदों को खोल दिया धूप में, क्योंकि सुबह टाइम धूप नहीं होती तो उस टाइम हम नहीं खोलते। अब जैसी धूप आई है फ़ौरन हमने सबको खोल दिया। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारी कबूतरी देखें, अभी तक इसने अंडा तो नहीं दिया लेकिन नेस्टिंग करना शुरू हो गई। मुझे नहीं पता, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि ये कब अंडे देती हैं, जब नेस्ट कर लेती हैं उसके बाद देती हैं या पहले ही दे देती है। तो ये आपने कमेंट में लाजमी बताना है मुझे यार, ताकि मुझे पता चले इसका। और दूसरी चीज़ हमने देखी, इसमें मिट्टी का भी इजाफा कर दिया। इसके में मिट्टी बहुत कम हो गई थी, तो हमारे यहाँ पे जो मिट्टी पड़ी थी उसे अच्छी तरह हमने छान के इसमें डाल दिया है। जो गंद वगैरह था वो हमने फेंक दिया और मिट्टी सिर्फ इधर रहेगी, और इसकी भी हमने दोबारा सफाई कर ली। तो जो चावल का छिलका है ये स्टिल ऐसे ही रहता है, खुश्क रहता है, तो इसमें जितना भी पानी चला जाए ना ये दोबारा खुश्क हो जाता है। तो जितना गंद गंद था वो हमने निकाल लिया और ये दोबारा से फिर चावल का छिलका ही रह गया है। और मैं एक चीज़ बता दूं यार, इसके साथ देखें अब दो चूज़े आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ जो तीसरा चूज़ा था वो मैं कल सुबह आया था तो वो मर चुका था ऑलरेडी। उसका बहुत ज़्यादा ना मुंह ख़राब हो गया था और खा पी भी कुछ नहीं रहा था, तो उसके यार गले के अंदर ना इन्फेक्शन हो गया था सारा, जिसकी वजह से वो ऐसे पानी भी पिला रहा था वो बाहर निकाल देता था। तो 3 से 4 दिन हो गए वो ऐसे ही बगैर खाने के फिर ज़िंदा था, फिर वो सुबह आया तो मर गया। उसका मैं क्लिप ऊपर लगा दूँगा। तो ये देखें यार बाकी की चूज़े जो है हमारे, वो देखें ये दोनों माशाल्लाह कितने एक्टिव हैं और ये अब बड़े भी होना शुरू होंगे जैसे ही वो गया है। उसके बाद ये वैसे इनमें थोड़ी बेहतरी नज़र आई है, दवाई का थोड़ा बहुत असर हुआ है, लेकिन यार उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी हालत, तो जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया यार, वो भी हमारा चूज़ा चला गया। अब दुआ है हमारे पास टोटल रह के हैं, एक इसके साथ है, 2 इसके साथ, 3 हो गए और 5 माशाल्लाह हमारे उस वाली मादी के साथ चूज़े हैं, जो कि 8 टोटल हैं। तो ये इंशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, मैं इनका भी दिखाता चलूँ आपको। ये देखें, ये देखिए इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है सबकी। और यार हमारी ये जो गोल्डन मुर्गी हैं ये बहुत शोर करने लग गई हैं, आवाज़ें करने लग गई हैं, जिससे कंफर्म होता है कि यार ये अब ना मुर्गियाँ बन चुकी हैं, लेकिन क्या हमारे इन मुर्गों से ही डरती हैं, इनके साथ ये पेयर ही नहीं बना रही। तो इसे मैंने कल भी उसके साथ बंद किया था और आज भी मैं इनके खाना खाने के बाद ना, और दूसरी बात खाने से ज़्यादा इनका दाना ख़त्म हो गया, दाना लेके आते हैं और खाना खिला के फिर इन्हें हम साथ वहाँ पर बंद कर देंगे इन तीनों को। ये देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा, एक मिनट में यहाँ से झाड़ू उठा देता हूँ, यार ये झाड़ू ख़राब कर देती है। चले तो ये देखें, मेरे हिसाब से तो यार मुझे ये बच्चे ही लगते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे हमारे पास से नहीं पैदा निकले थे अंडों में से, उसके बाद ये माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, तो टाइम का पता नहीं चला मुझे, लेकिन ये है कि 6 महीने से ऊपर की ये हो चुके हैं, तो इसका ये कन्फर्म है। 6 महीने की जब मादी हो जाती है तो वो अंडे देने लग जाती है, तो इसकी हमने पेयरिंग नहीं की, जिसकी वजह से ये अभी तक अंडों पर नहीं आई। तो पेयरिंग करेंगे इंशाल्लाह, ये जल्द ही अंडे देने लग जाएंगी। और अब आप हमारा मुर्गा देख सकते हैं यार, मुर्गे की कुरीज़ कितनी अच्छी मुकम्मल हो रही है, गर्दन पे इसके बाल देखें। आज से आप हमारी 2 से 4 से 5 वीडियो पीछे जाके देखेंगे तो इस मुर्गे की गर्दन बिल्कुल गंजी थी, और उसके बाद इसकी अच्छी से हमने केयर किया, तो माशाल्लाह देखें इसकी पूरी कुरीज़ मुकम्मल होना शुरू हो गई है। मादी से अलग रखा वैसे, तो जिन भाई के पास कोई मुर्गा वगैरह हो तो वो मादी से अलग रखे कुरीज़ वाला, वरना मादी यार क्या होता है पर खा जाती है इसके, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी किसी ने बताया था ये, तो फिर मैंने इसकी हिफाजत की तब से, तो अब माशाल्लाह ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलें यार, मेरा जहन में फ़ौरन आ गया था दाना, इनको थोड़ा बहुत डाल दिया हमने जो ये खा रहे हैं, बाकी दाने इनका ख़त्म हो गया वो लेकर आते हैं। और आके हमने क्या करना है, अपने ये दोनों केज जो हैं ये उधर शिफ्ट कर देने उस दीवार के साथ। उसकी वजह ये है कि यार हमारे कबूतर जो होते हैं ना, कबूतरों को पसंद होती है धूप, वो तो गर्मी में भी अक्सर धूप में रहते हैं, तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, रात टाइम फुल सर्दी होती है, और ये सिर्फ 2 पेयर है, तो इसे क्या करेंगे हम केज को उधर रख देंगे, ताकि केज भी जो है उसे धूप लग जाए, जर्सी वगैरह मर जाए, दोनों लकड़ी वाले केज हम उधर रख देंगे और हमारे कबूतर भी यार उधर ही रहा करेंगे। और जब यहाँ से ये केज चले जाएंगे, ये केज यहाँ से हट जाएंगे, तो इस दीवार के साथ हम कल या परसों तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना जो है काम दूसरे केज बनाने का वो मुकम्मल करना वो शुरू कर देंगे, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल करना है, क्योंकि यार हमारे ना चूज़े बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये नज़र आ रहा होगा जैसे यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं है किसी की भी सही तरीके से, सब के साथ ना बच्चे वगैरह सब के साथ हैं, तो पेयरिंग किसी की नहीं है, अंडे कोई मुर्गी नहीं दे रही। तो चलते हैं अभी बाज़ार से हो जाते हैं, फिर आके इनकी सेटिंग करते हैं।
तो यार माशाल्लाह से हम दाना लेकर आ चुके हैं। देखें कुछ को मैंने उधर डाल दिया है क्योंकि वहाँ पे बड़े खाते हैं तो फिर ये छोटों को खाने नहीं देते, और छोटों को हमने ऐसे फिर छत पे जगह जगह इधर इधर और इधर घेर दिया था। इधर से इन्होंने खा लिया, अभी उधर खा रहे हैं। और हमारा मुर्गा भी बंद पड़ा है, इसको मैंने अंदर दे दिया क्योंकि मैं इसको बंद करके गया था यार दाना लेने, ताकि मैं इसको खोलता ना फिर इसकी और उसकी बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है। और दाना मैं माशाल्लाह से यार लेके आ चुका हूँ, और ये वाली बाल्टी हमारी दाने से भर गई है, और 2 किलो में फीड अलग से लेकर आया हूँ अपने चूज़ों के लिए जो कि हमारे ये छोटे चूज़े फिर रहे हैं इनके लिए, ताकि जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी ग्रोथ करें। और ये वाली देखें माशाल्लाह से दाना मैं 10 किलो लेके आ गया दोबारा से, पिछले वाला माशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है, और फिर ये है कि हम दोबारा फिर 10 किलो ही लेकर आ गए। नेक्स्ट टाइम ये होगा कि हम इजाफी कर देंगे 10 किलो का, फिर हम ये लेंगे कि मन का ना थैला ही लेंगे एक दफ़ा, ताकि हमारे परिंदों को भी मुश्किल ना हो, दाना उनके लिए ख़त्म ना हो। और अभी मैंने देखा था यार देखे ना कबूतर भी, ये देखे तीले नज़र आ रहे होंगे कबूतर से, क्योंकि उड़ा तो जाता नहीं, वो तीले ला ला के बेचारा नीचे जमा करी जा रहा है, और देखे नीचे से ना फिर ऊपर यहाँ से कबूतरी ने, उससे मैंने खुद देखा कबूतरी यहाँ से उससे खींच रही थी, तीर का पता नहीं किस तरह उसने पकड़ा हुआ था, यहाँ से कबूतरी ने खींचा और ये देखे ऊपर लेके आ गई। वो कबूतर भी इकट्ठे कर रहा है, कबूतरी भी इकट्ठे कर रहे हैं, अभी तक तिनके इकट्ठे कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या होता है कब अंडे देंगे ये। तो चलें अब इनके जो केज है इनको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इन्हें टाइम लगेगा थोड़ा अपने जगह समझने के लिए, लेकिन ये फिर इनको आदत हो जाएगी उधर ही रहने की। तो यार हमने एक केज अपना जो है वो इधर रख दिया है, और दूसरा केज जो है वो वाला वो भी ला के इसके साथ ही रख देंगे इस जगह पे। यहाँ से मैंने साइड से थोड़ी खाली जगह छोड़ी है, ताकि हमने झाड़ू वगैरह देनी हो तो आसानी से हम देले सफाई वगैरह कर ले। दूसरा जो रह गया है अब फिर वो रखते हैं। तो माशाल्लाह से यार दूसरा हमने जो केज है वो भी साथ रख दिया है, और ये वाला केज पहले आपको नज़र आ रहा होगा ऊंचा था क्योंकि इसके नीचे ईंटें थी, अब ईंटें हमने निकाल दिया ताकि यार हमारे जो चूज़े वगैरह हैं वो आसानी से अंदर चले जाएं, और कबूतर भी हमने नहीं खोले ताकि इन्हें भी आदत हो जाए, कबूतरी पहले उस पर बैठी थी। तो ये आपने लाजमी यार बताना है कमेंट में ना कि ये कब अंडे देना स्टार्ट करेगी। तो जो भाई यार चैनल पर नए हैं तो लाजमी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस जो है उनको मज़ीद मिलती रहे, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन उन्हें मिलते हैं हमारी वीडियोस के। और लाजमी बताना है कि यार ये कब अंडे देना स्टार्ट करेगी। और ये देखिए अब इनको मैंने शाम का दाना भी डाल दिया है, ये सारे अलग अलग जगह पर होकर खा रहे हैं। वो मुर्गा उधर ही है क्योंकि फिर यार यहाँ पर ये वाला मुर्गा जो है ये लड़ने लग जाता है उससे, तो उससे हमने दाना उधर ही दे दिया है। और बाकी वो देखिए चूज़े वगैरह ऐसे खुले फिर रहे हैं, तो ये जगह आप देखें यार कैसे ना वीरान सी लग रही है। तो जल्दी हम यहाँ पे इंशाल्लाह केज बना लेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमने शायद वहाँ पे केज बनाने थे, तो वहाँ पे हम नहीं बना रहे क्योंकि यार ज़्यादा अरसा रहती है गर्मी, और देखें धूप अभी तक उधर स्टिल खड़ी है, तो वहाँ पर शाम तक धूप रहेगी, ज़्यादा अरसा हमारा जो है गर्मियों का गुजरता है, तो हम केज इधर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखें इतनी बड़ी दीवार है ऊँची 7 होलों की, तो ये यहाँ पर धूप नहीं आएगी, तो इसकी वजह से हमने फैसला किया यार हम केज साथ ही इसी लाइन में बना लेंगे। तो चले यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक लाजमी करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। दुआओं में याद रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।